हेलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम टू अदर ट्वेंटी फोर सेवन रेगुलेटरी बॉडी इज चैनल दिस इज नीलम गहलोत योर रीजनिंग बेंच और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये सेशन कम एक इन्फॉर्मेटिव मैं बोलूँगी वीडियो ज़्यादा आप लोगों को लगेगा वो इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले आर बी आई ग्रेट बी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसे सलेक्शन बॉक्स की या मैं कि एक ऐसे मैजिक बॉक्स की जिसमें आपके प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मौजूद है क्या क्या है और कैसे कैसे और कैसे आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प आपको करेगा वो मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और अगर अडर ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे आपको फ्री कंटेंट आपको मिलता है अपनी प्रैक्टिस के लिए अडा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पे चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आर टाइम तो ये हम बात करने वाले आर के सिलेक्शन बॉक्स के बारे में अब आर का सिलेक्शन बॉक्स यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको आर के सलेक्शन के और नज़दीक लेके जाएगा कैसे और क्या है तो उसमें थोड़ा सा हम बात कर लें इस बारे में कि ये की एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारी प्रिपरेशन के की एलिमेंट्स में सबसे पहली बात तो आपका ये आता है कि क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने सबसे पहली चीज़ चेक करनी कि क्या मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ तो अगर पहला टिक मुझे मिल जाता है पहला चेक मुझे मिल जाता है तो दूसरी बात आती है कि जिस एग्ज़ाम के बारे में मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिस एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम हमारी नीड्स को करता है अब हो सकता है आपके पर्सनल एस्पिरेशंस बहुत बिगर हो हो सकता है आपके प्रोफेशनल एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हो जो ये जॉब ना कैटर कर रही हो या हो सकता है आपके आपको लगता है कि मैम मुझे तो लाइफ में इतना ही चाहिए ये तो बहुत ज़्यादा है हालांकि ऐसा कोई सोचता होगा ऐसा हम नहीं मानते हैं हर कोई लाइफ में ग्रो करने की सोचता है हम जितना अचीव आज करते हैं उससे और बेहतर हम कल के दिन अचीव करने की कोशिश करते हैं और इसको बोलते हैं कि कभी भी लाइफ में कॉम्प्लेसेंट फील मत करिए कॉम्प्लेसेंट फील मत करिए का मतलब है कि कभी भी कितना भी आप कर रहे हैं कितना भी बढ़िया आप कर रहे हैं हमेशा थ्राइव करते रहो हमेशा आगे बढ़ने का सोचते रहिए उससे आप नई नई चीज़ सीखते हैं नया नया लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं और दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट है ना तो हमेशा सीख सीखते रहने की प्रोसेस हमेशा चलती रहनी चाहिए कभी भी हम यू ना अपने आप को कंटेंटेड फील करा दें कि बस हो गया है ना ऐसा नहीं होना चाहिए तो सबसे पहली बात जिस एग्ज़ाम को हम कैटर कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बात बात करना चाह रहे हैं क्या हम उसके लिए एलिजिबल है अगर यहाँ पे आपको मिलता है कि हाँ एलिजिबल है तो दूसरी बड़ी बात आती कि ये एग्जाम पूछेगा क्या है ना तो दूसरी बड़ी बात आती है एग्जाम पूछेगा क्या और एग्जाम पूछेगा कैसे है ना तो क्या और कैसे में आ जाती है आपकी दो चीजें क्या और कैसे में आ जाती है आपकी दो चीजें क्या में आ जाता है आपका क्या क्या में आ जाता है आपका सिलेबस है ना क्या में आ जाता है हमारा सिलेबस और तीसरी चीज होती है कि कैसे पूछेगा तो उसमें आ जाता है आपका एग्जाम पैटर्न क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी कई बार बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देता है किसी किसी एग्जाम का तो अब एलिजिबल अगर मैं हूँ आर बी ग्रेड बी के लिए तो सिलेबस मुझे पता होना चाहिए अगर पता नहीं है तो हमने अपने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे किए हैं जो आपको एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में पूरी फुल डिटेल्स आपको बताते हैं उन वीडियोस को जरूर देखिए और चेकआउट कीजिए कि क्या ये सिलेबस का कितना कितना हिस्सा है जो मुझे आता है और कितना कितना हिस्सा है मुझे कवर करना है और अगर मुझे ज़ीरो से भी कवर करना है तो कैसे कैसे किया जा सकता है ठीक है वो सारे स्ट्रेटेजी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे फिर आता है आपका एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी

दूसरी चीज होती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी ना एक फेज आता है हमारे लिए उस फेज को हम बोलते हैं क्या इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट करना मतलब कि जो पढ़ा है उसको आप उतार भी पा रहे हैं या नहीं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना फिर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है और तीसरा है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि आर बी आई ग्रेड बी इज नोन आर बी आई ग्रेड बी जाना जाता है अपने लेंदी एग्जाम पैटर्न के बारे में क्यों क्योंकि आप चाहे इंग्लिश उठाइए चाहे क्वांट्स उठाइए चाहे रीजनिंग उठाइए चाहे आप जनरल अवेयरनेस उठाइए चाहे आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट उठाइए चाहे आप ई उठाइए ये हर वो एरिया है जो आपको बताएगा कि हर एरिया जो है सेक्शन जो है वो आपका बहुत लेंदी तरीके से पूछा जाता है तो लेंथ एक ऐसा कॉमन फैक्टर है आपको आर में जो दिखाई देगा और वो हर सेक्शन में आपको दिखाई देगा क्वांट के क्वेश्चन भी आपको बहुत लेंदी मिलेंगे और रीजनिंग के तो मिलते ही है, है ना तो ये सारी चीजें आपके सामने तो सिलेबस पे फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब आपको करना है किस पे फोकस आपको करनी है इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कि आपको स्पीड की समस्या ना आए इतनी प्रैक्टिस करनी की स्पीड की समस्या ना आए क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी तो ये एग्जाम थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकता है तो स्पीड पे भी फोकस आप लोगों को रखना है और वो कहाँ से आ जाएगी बहुत डरने वाली बात नहीं है स्पीड 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 से ऐसा नहीं कि स्पीड हमें बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन इतनी चाहिए कि हाँ आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते वो सारी चीजें समझ में आ रही है ऐसा ना हो कि आपको दस दस बारह एक लाइन को पढ़ना पड़ रहा है सो दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ठीक है और फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप बना लेंगे अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से ठीक है तो ये की एरियाज होते हैं हमारी किसी भी प्रिपरेशन के लिए यानी कि हमारे सिलेबस को समझना कॉन्सेप्ट को समझना कॉन्सेप्ट समझने के बाद उनको क्वेश्चन में लगा पाना दैट इज दी आर्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन अगर मैं वो भी सीख जाऊँ और उसके बाद फिर मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँ कि मेरी स्पीड बढ़ जाए तो बस यू आर सॉर्टेड है ना यू आर गुड टू गो फॉर एग्जामिनेशन चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो अब ये सिलेक्शन बॉक्स जिसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें वेल इन्फॉर्मड रहें और आपको पता हो कि क्या क्या चीजें हैं मेरी प्रिपरेशन के लिए अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के पास अवेलेबल तो जो हमारा आर बी आई ग्रेड बी का सिलेक्शन बॉक्स है इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को मिल रही और कैसे ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे एट द सेम टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकें तो यहाँ पे सबसे पहली जानकारी जो है वो ये कि आ, एक तो आपको इसमें आर के सर्कुलर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ठीक है जो कि 80 नंबर का आपका ये एरिया आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी यानी कि आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो आप जिनसे आप बात कर सकते हैं जिनसे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं चाहे वो प्रोफेशनल या पर्सनल हम बहुत बार डीमोटिवेट भी होते हैं ना तो हमें चाहिए होता है कि हमारा कोई फैकल्टी हमारा कोई मेंटर हमें समझा दे हमें बता दे कि ऐसा ऐसा करना है इस इस रास्ते पर चलना है है ना तो वो पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस आपको पचास डिस्क्रिप्टिव क्लासेज मिलेंगी ये बहुत बड़ी बात है और मैं मैं इसको हाईलाइट भी करना चाहूँगी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ना हम बहुत परेशान जाते हमें आइडियाज नहीं पता है हमें चलो आइडियाज पता है हमें नॉलेज है हमें आइडियाज तो है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं हम एक आर्टिकुलेट वे में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट वे में प्रेजेंट करने का मतलब है कि एक होता है कि किसी बात को साधारण ढंग से कह देना और एक होता है उसको अच्छे से Uh, बहुत बढ़िया ढंग से बात को कहना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी पढ़े जब आपका पेपर पढ़े आपका uh, आंसर पढ़े तो वो आपके आंसर से बहुत प्रभावित हो या बहुत इंप्रेस्ड हो और आपको नंबर अच्छे मिल सके राइट तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट वे में लिखना राइट तो डिस्क्रिप्टिव सेशंस आपको पचास मिलने वाले ये अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है आई वुड से इंटरव्यू की तैयारी गाइस आपकी कराई जाएगी सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आरबीआई का नोटिफिकेशन एंड वेबसाइट यानी कि आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है आरबीआई की वेबसाइट पे जितनी भी जानकारी आती है हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाएंगी गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर कराई जाएंगी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम से मतलब ये इन चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम्स में आर सर्कुलर के गवर्नमेंट स्कीम्स के

है ना अच्छा और इसके आगे बढ़ा जाए तो और क्या मिल रहा है आपको मिलेगा यहाँ पे ये अगेन एक बहुत हाईलाइटिंग एरिया होगा कि आपको छ बुक्स का सेट मिलेगा इसमें आपको रीजनिंग की बुक मिलेगी इसमें आपको क्वान की बुक मिलेगी ईएसआई की बुक मिलेगी एफएम की बुक मिलेगी और इसमें आपकी इंग्लिश की बुक मिलेगी और उस पांच सब्जेक्ट्स की बुक के अलावा आपको एक बुक और मिलेगी जिसमें आपके आर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और टॉपिक वाइज आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे हर सब्जेक्ट के अलोंग विद प्रैक्टिस सेशन तो ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी

अंडर ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पर हम जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी एंड एस सो चैनल और रेगुलेटरी बॉडी एसो चैनल में हम आ जाएंगे अपने आर बी आई ग्रेड बी में और आर बी आई ग्रेड बी में जैसे ही आप आते हैं सबसे पहला जो सेट है वो है आपका आर बी आई ग्रेड बी का सिलेक्शन बॉक्स इस सिलेक्शन बॉक्स में आप जाओगे मैं एक बार आपको डिटेल्स बताती हूँ कि क्या क्या देखो इसमें आप लोगों को मिलेगा सिक्स हंड्रेड आर्ट्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यानी कि हमारे कॉन्सेप्टल क्लैरिटी के लिए हमारी लाइव क्लासेज हैं तीन सौ दस आपको टेस्ट मिलेंगे सिक्सटी सेवन आपको बुक्स मिलेंगी तीन सौ इक्यानवे आपको वीडियोस मिलेंगे जिससे आप जल्दी भी अगर चाहें तो अपना सेशन अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं छह बुक्स मिलेंगी ये जो छह बुक्स हैं ये कौन सी बुक्स हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ मॉक टेस्ट है इंटरेक्टिव क्लासेज हैं फाउंडेशन बुक किट है आपके पास प्रोग्रेस चार्ट आपको मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को मैप कर सकते हैं और थोड़ा आगे बढ़े जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे आर की छह बुक की किट आपको मिल रही है इंटरव्यू डाउट रूम डाउट क्लासेस है तो ये सारी की सारी चीजेंड सारे सारे uh, अगर हाँ जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि बुक्स जो आपको मिल रही है तो ये सारी बुक्स आपको मिलती है एस रीजनिंग एस क्वांट एस इंग्लिश एस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर फेज वन एग्जाम 2023 हजार के आ, सारा यहाँ पे आपको मिलेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर इकोनॉमिक्स ई एस की बुक भी आप लोगों को मिल रही है अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हैं कि इस रीजनिंग में क्या है तो मैं आपको दिखाती हूँ इस रीजनिंग के अंदर आपके ये सारे पूरा का पूरा कॉन्टेंट कवर होगा सारा का सारा आपका कॉन्टेंट कवर कराया जाएगा और इस कॉन्टेंट के साथ साथ अगर ये क्या है आपका टेबल ऑफ कॉन्टेंट है टेबल ऑफ कॉन्टेंट का मतलब कि ये सारी चीज़ें आपकी इस बुक के अंदर आपको मिलने वाली है यानी कि ये सब होगा आपकी इस बुक के अंदर आ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन किट से आ, देखो सिलेक्शन किट कहीं ना कहीं आपकी सारी समस्याओं का समाधान तो बनी जाएगी कि आपकी सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी और ये सिलेक्शन किट आपके घर पहुंचेगी यानी कि ये बुक्स आपके घर पे पहुंचेगी इसको अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा बाय नाव और बाय नाव करके लगा देना डिस्काउंट कोड डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा आप क्या डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा वाई सिक्स फाइव वन और कर देंगे हम अप्लाई तो फाइव फोर नाइन नाइन वैलिडिटी इसकी रहेगी नाइन मंथ्स पेपर हमारा मई या जून में होने वाला है तो यस आप लोग चाहें तो इस सिलेक्शन किट से जुड़कर अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं इफ़ यू वांट आप ये डिस्काउंट कोड लगाइए और ये डिस्काउंट कोड लगा के अड्डा की ऐप से जाके अपने सेलेक्शन किट में जुड़ सकते हैं इस पे तो इसमें हमारी लाइव क्लास टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगा तो अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और बाकी मेरी फ्री रीजनिंग की क्लास होती है गाइज मेरी फ्री क्लास होती है एट टू पी एम ठीक है रीजनिंग की फ्री क्लास होती है दोपहर दो, दो बजे मंडे टू सैटरडे उसमें आप जुड़ सकते हैं अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए थैंक यू एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट